नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम डॉक्टर भारत दुर्गिया है, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन, कैलाश हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आज हम यहाँ पर आए हैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में डिस्कशन करने। 5 सितंबर, वैसे तो ये दिन टीचर्स डे के नाम से पूरे इंडिया में विख्यात है, पर वर्ल्ड लेवल पे जब हम बात करें तो साइंटिफिक कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन बनाती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे। अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना शायद हम कभी पत्ती भी नहीं हिला पाए। हाथों का काम करना, पैरों का काम करना, बॉडी के मूवमेंट्स करना, ये सारा स्पाइनल कॉर्ड का काम है। ये हमारी पूरी स्पाइन का मॉडल है। इस स्पाइन के बीच में ये सारा हड्डियों का बना हुआ है और इसके बीच में से जो नर्व्स का गुच्छा एक पूरा ट्रेवल करता है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और ऑलमोस्ट हमारी कमर तक नीचे तक जाता है। ये वो नसें हैं जो ब्रेन से सिग्नल्स हमारी बॉडी की तरफ लेके जाती हैं और बॉडी से सिग्नल्स हमारे घर की तरफ वापस ब्रेन की तरफ लेके आती हैं। तो एक तरह से एक तरह का हाईवे है जिसमें आना और जाना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई चोट लगती है तो आपको जो दर्द का एहसास होता है वो उसका मेन कारण हमारे स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिवनेस है। जिन मरीजों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती है न उनको किसी चीज का एहसास होता है न वो किसी तरह का मूवमेंट कर पाते हैं। एक सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, सपोज आपको किसी ने एक पिन चुभोया है तो आपकी आ निकलने से पहले आप पैर अपना पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड है जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है और ब्रेन इमीडिएटली आपको रेस्पॉन्स में पैर को पीछे खींच लेता है। तो आप सोचिए कितनी स्पीड से सिग्नल जाते हैं और वापस आते हैं, तो इसका सारा श्रेय हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जाता है। बढ़ते विकास के साथ दूरियां कम होने लगी हैं, स्पीड बढ़ने लगी है। जहां हाईवेज की बात आती है वहां स्पीड की, और ऐसी स्पीड के साथ जब भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स होते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होना बहुत ही स्वाभाविक है। हमने देखा है कुछ सालों में स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर टाइम पे हम स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी का ट्रीटमेंट ना करें तो वो जानलेवा साबित हो सकता है। अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड गर्दन के हिस्से में कहीं इंजर होता है तो हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, इनफैक्ट मैं कहूंगा गर्दन के नीचे का हिस्सा ऑलमोस्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। ऐसे पेशेंट्स को हम क्वाड्रिप्लेजिक बोलते हैं, जिनके चारों हाथ पैर काम नहीं कर पाते। अगर वही चोट कमर या पीठ के हिस्से में होती है तो शायद हमारे हाथ कई बार बच जाते हैं और पैरों के अंदर में ही उस तरह का लकवा मार जाता है, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। कई बार गर्दन की चोट इतनी ज्यादा होती है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने की वजह से मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। तो बहुत जरूरी है इस बात में अपनी चेतना लेके आना, इस बात का ध्यान रखना कि हम कभी भी इस तरह की इंजरीज होने पे लापरवाही ना बरतें, ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लें। कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जहां पर हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का इलाज कर सकते हैं। हमारे पास न्यूरोसर्जरी टीम, ऑर्थोपेडिक्स टीम और वन ऑफ द बेस्ट इंटेंसिविस्ट और एनेस्थेटिक्स टीम मौजूद है जो कि इस बीमारी का इलाज अच्छे से कर सकती है। तो मैं आशा करूंगा कि कभी आपको इस तरह की कोई इंजरी ना हो, और अगर भगवान ना करे आपको इस तरह की कोई भी चोट आए तो आप इमिडिएटली किसी भी नजदीक से नजदीक अस्पताल में अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट लेके एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में अपना पूरा ट्रीटमेंट लेने पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।